तो इंसान अपनी पत्नी को नंगा नचा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो घटिया इंसान, वो मुझे किसी के साथ भिड़वा कर सुला भी सकता है, बोलेगा कि मेरी पत्नी बुलाकर सोई है, लगा के रख ले। आज हमारे पास कोनो मर्द रही ना, चाहे केहू भी जो इंजाम लगा तो केहू रही तो हमो के सपोर्ट करी, हमो के जहाँ ले जाकर रही तहाँ लेके जाई ताई, पर हम लड़कों वाला बतिया कितना सच्चाई बा कि मैंने पहलका जो लड़की बीता है उ कहत रहे कि हमार लड़को जन्म दूसरा कि हम दूसरे मर्दे के जन्मा दे लैका फेंका, आज लेना जन्मनी हम दूसरे के जन्मा दे मुना रतन हम लैका फेंका भरी, खुद हमारे पति के लैका नवंबर में लैका रुकल बा 27 जुलाई के भइल बा, उ आरोप बा कि 8 महीना पर लैका भइल बा, तो नवंबर से 27 जुलाई ले जोड़ ली लो। पति का आरोप है कि वो गुजरात में आई थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका जो रहन चलन था वो बिल्कुल बेकार था सुपरवाइजर के साथ। हाँ लगता है बहन तरह के पूछ लिया बनो के ना पूछ ली, तो गाली गी दी है ना, गाली गलोच गाली से गड़ा हो गई, पी कर बहुत असली असली गाली देते हैं हमारे दीदी को, देवर को, सबको गाली देते हैं, हमारी पापा को, मम्मी को, सबके कौन ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसके साथ वो बदतमीजी किए हैं, तो इसीलिए कोई उनको नहीं पूछता है। अच्छा गुजरातों में जाकर रहल बरू जी, हम गुजरात में 7 महीना तक ले रहे हैं। आ वो जाए कोनो सुपरवाइजर बताना का नंबर तरह लगा बाबा नहीं, देखियो वहाँ के जो गुजरात के सुपरवाइजर हैं वो मेरे पिता के समान हैं और हमारे पापा की जैसे, वही मुझे वो मारे थे, मेरे पति मारे थे पीटे थे, तो हम जाके उनको गुजरात थाने पुलिस में बंद कराई थी, तो वही सुपरवाइजर हैं कि उनको छोड़ा है, आज उन्हीं को बदनाम है। खुद सुपरवाइजर की मोबाइल से जाकर बातचीत करते थे उधर उधर, तो उस सुपरवाइजर को समझ में नहीं आता था कि इसकी बीवी में और इसके में क्यों हमेशा झगड़ा झंझट हो रहा है, इसीलिए सुपरवाइजर की मोबाइल से मांग कर जब बात किया ना, तो सुपरवाइजर रिकॉर्डिंग करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज दिए, व्हाट्सएप हमारे भेज दिए, जब हम व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग सुने तो मैं बहुत रोने लगी, उनसे झगड़ा झंझट करने लगी, उसके बाद से ये लोग चले गए थे अपनी। अच्छा, अच्छा, देखिए वो तो प्रशासन के काम है जांच के, हम हमारे पास तो सब चीज की। अरे जांच कोइल तो प्रशासन के काम बढ़ ले बात, तू जांच कोइल। अरे देखिए हम महतारी है, हमसे बेहतर की जान सकता, हमारे इतना औकात, हम भी आदमी के लड़का है, हर चीज के जितना दौर दवाई करेली बनी सब चीज के प्रूफ हम रख ले। अच्छा वो कहत रहा पहिलका लड़का हमारा है, दूसरा का ना तो पहिलका का खर्चा देलन ना, पहिलका का खर्चा। अच्छा ठीक बात, पहिलका उनकर ना है तो कौन पहिलका उनकर है तो कौन खर्चा देना, हम कीड़ा की लड़की भी या लड़की की ना पूछे ला, ना हम लड़का के पूछे ला, ना हमके पूछे ला, तार खर्चा चले ला, हम खुद लोग की घर काम करे नी, घूम घूम लोग झाड़ू पोछा के काम करते नहीं, अपन लड़की लेके जाए हम झाड़ू पोछा के काम करे, तो फिलहाल हम लड़का की तबियत खराब बा, एक हम कहीं जा नहीं पावत, भाग दौड़ करे के पड़ता, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी गाँव में लेके लड़का लेके जाए आव, ऐसे बहुत ज्यादा हम परेशान बानी, एगो औरत जाते नहीं उन्हें धावे के पड़ता, आज जो अंजाम लगा इंजाम लगा। अच्छा तरह से ये सब अगर तू बयान नहीं दे तरू तू तो उनकर का नाम बा कि मीडिया वाले सिखावत आवे तरह क्यों सिखाई लो नहीं। देखिए यूपी के मीडिया वाले चाहे बिहार के मीडिया वाले, हमके केहू ना प्रेशर मतलब नहीं हमारे ऊपर किसी का प्रेशर है, नहीं किसी का दबाव है, हमारी खुद मतलब कहीं नहीं सुनवाई हो रही थी, इसलिए हम खुद मीडिया वालों के पास फोन करके साफ सुथरा बताओ तर उनके तरफ दबाव नहीं दे, नहीं मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है मीडिया, क्योंकि शौक नहीं खेला इतना दूर से चल के तरह लगे आई जी, हम हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है, और मेरे सास ससुर मेरे पति मीडिया वाले भैया को भी फंसा रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि जितने बिहार के पत्रकार हैं उन सबके ऊपर हम मुकदमा दर्ज करेंगे, मेरी सास का कहना नाम है कि मेरे लड़का का कुछ भी हो जाता है तो मैं मुकदमा दर्ज करूंगा, तो देख लीजिए उनका लड़का है, हमारा दो बच्चे हैं, हम जिस तरह से वो दर्द से पैदा किए हैं उसी तरह से हम भी पैदा किए हैं। अच्छा एगो चीज बताओ, साफ साफ की पति के संग रह के अकेले जीवन काटे के बा ना, हम उनके संग रह रहा, हम कहीं समझौता सुलह करा के लिए मतलब लेकर जाएंगे, कहीं हमको जान से मार देंगे तो क्या करूंगी, मतलब पति से तारा डर होता 7 महीने जा कोई जरा उतारा डर नहीं खेला, गलती किए होते तो सही नहीं, हम डरते केस चलता है तो केसो चलता है, लड़को पैदा होगा तो डर नहीं खेला, बार बार एक ही वो गलती किए हैं तो हमको डर है ना, जो इंसान अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर ला सकता है नंगा ना, वो इंसान अपनी पत्नी के साथ कुछ कहीं उनके साथ जाते हैं समझौता सुलह करके, कहीं ऊपर हम मेरी तेजाब गिरा दे, वो खुद बोले तेजाब से जला देंगे, सब चीज का मेरे पास रिकॉर्ड था। अच्छा वीडियो वो देखा तो क्या कहूं, उनको यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आप परेशान मत कीजिए, ब्लैकमेल मत कीजिए, अगर आप सही हैं तो प्रशासन के सामने आ जाइए, अगर मैं गलत हूँ आप सही हैं तो प्रशासन के सामने आइए। प्रशासन से क्या मांग करेंगे यार, देखिए मैं प्रशासन से ही मांगती हूँ कि मतलब पुलिस प्रशासन से ही हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरे ससुराल वाले को सबको गिरफ्तार करें, असही क्या है झूठ क्या है सब वो साबित करें। गुजरात से तार पति प्रशासन के सामने आ जाए तो भीतर भेजो भी को लगे रखबू अपना, मैं उस कमीना को अब क्या बताएं, हम उसके साथ नहीं रहने वाले। देखो ये पति क्लियर नहीं, वो पति परमेश्वर होता है, वो
कैसा परमेश्वर, सात जन्म के साथ फेरा ले ले बड़ू। देखिए उसी साथ फेरा को तो मैं लाज मतलब रख रही थी अब तक। जो घटिया इंसान कुछ भी कर सकते हैं, नाश्ता करता है, दारू पीता है, गांजा खाता है, कि मानिए दो चार लड़के बुला कर ससुराल में जाते हैं, कहीं हमारे पास घुसा दे घर में, कहेगा वीडियो बना देगा, कहेगा कि देखिए देखिए हमारी बीवी लेकर सोई है, जान से हमको मार देगा। तू तो यो कहता ना दुकान दुकान का संग तू रील्स बनाओ तरु। अरे तो हम रील्स तो आठ नौ महीने से बना रहे हैं। तुमने रील्स बनता है? जी हम तो इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं 8-9 महीने से।